कैसे कैसे रंग लिए हैं खुशियाँ पे संग लिए हैं, जुगनू को सितारे कलियाँ, तोते चिड़िया तितली पैया पूछे लाश की मानी, तितली ढूंढे आज कहानी। सिम सिम हमारा सिम सिम, सिम सिम हमारा सिम सिम, सबको अपना दोस्त बनाए, खेले कूदना चिल्लाए, इन चीजों का मतलब क्या है देखे सोचे और पा जाए। सिम सिम हमारा सिम सिम, रानी का सवाल। सुबह मैंने स्कूल जाना है, इसलिए अब मुझे सोना चाहिए। ये तो चिंगर की आवाज है। अगर हम गौर से सुने तो हमें कैसी कैसी आवाजें आती हैं? सुनते हैं। ये तो चकोर की आवाज थी। ये किस चीज की आवाज है? हाँ, ये तो चौकीदार की सीटी की आवाज है। गौर से सुने तो कान में कई कई आवाजें आती हैं, इसलिए कहा जाता है कि गौर से सुनना चाहिए। और ये टिक टिक मेरी घड़ी की आवाज है, और अब मेरे सोने का वक्त हो गया है। आज का लफ्ज। इमोची। एल्मो। इमोची, क्या कर रहे हैं? एल्मो, मैं दूर से गुजरती हुई ट्रेन की आवाज सुन रहा था। हैं? पर एल्मो को तो कोई आवाज नहीं आ रही। कान लगा के गौर से सुनो। इसीलिए कहते हैं कान लगा के गौर से सुनना चाहिए। एल्मो? इमोजी। हाँ। इमोजी, इमोजी। हाँ, हाँ, हाँ। एल्मो को एक और आवाज आ रही है। कौन सी आवाज? इमोजी, गौर से सुने ना। ओ, ये तो बिल्ली के म्याओ म्याओ करने की आवाज है। चला? मैंने कान लगा के गौर से सुना, आवाज आ गई। हाँ। इमोजी, एक और आवाज आ रही है। ये कौन सी आवाज है? इमोजी, कान लगा के सुनी ना, चने बेचने वाले की आवाज है। हाँ, चने बेचने वाले की आवाज है। फिर चले चने खाने। हाँ, चने।
चलो चलो। और आज का लफ्ज है कान। कान, चले चले चलो चलो। कान। मेरे भी दो कान हैं, तेरे भी दो कान हैं, मेरे भी दो कान हैं, सबके ये गमला मैं यहाँ रखूंगा, मेरे घर जो भी आएगा देखता रह जाएगा। ये गमला यहाँ ना रखो हसीन, गमला गिर गया तो सारे फूल बिखर जाएंगे। मैं तो एक और गमला यहाँ रखूंगा। ना रखो हसीन, गमला गिर जाएगा और तुम्हारे सारे फूल बिखर जाएंगे। मुझे तो ये गमला यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, बल्कि इसके साथ एक गमला यहाँ और होना चाहिए। हसीन, तुमने कितनी मेहनत से ये फूल उगाए हैं, अगर ये गिर गए टूट गए तो सारा काम खराब हो जाएगा। जब मुझ जैसा अकलमंद कोई काम कर रहा हो तो उसे कभी रोकना या टोकना नहीं चाहिए। हाँ, तुम बात नहीं सुनते, बस अपनी बात करते जाते हो करते जाते हो। किसी की बात सुनने का क्या फायदा, बात हमेशा अपनी करनी चाहिए। देखो इन फूलों को, घर की खूबसूरती कितनी बढ़ गई है, घर भी मेरी तरह हसीनो जमील हो गया। बोल आईने बोल, मुझे बता ये क्या जुल्म हुआ। मैंने तो तुम्हें कितना समझाया था लेकिन तुमने तुमने एक ना सुनी। अगर तुम मेरी बात मान लेते तो ये सब ना होता। तुम ठीक कहते हो, मुझे तुम्हारी बात जरूर सुनना चाहिए थी। आज के बाद मैं तुम्हारी बात जरूर सुनूंगा। आज मैं मुन्ना और बेली नंबरों से खेलेंगे। हाँ, और मैं बेली को कुछ नंबर दिखाऊंगा, लेकिन उसमें एक नंबर नहीं होगा, और वो नंबर कौन सा होगा वो बेली बताएगा। हाँ बेली, ये देखो, एक दो तीन पाँच, ठीक है। अब बताओ कि इन में कौन सा नंबर नहीं है। एक दो तीन पाँच, हाँ पता चल गया पता चल गया, इसमें चार का नंबर नहीं है। एक दो
तीन चार पाँच। दोस्तों आप भी अपने दोस्तों के साथ ये खेल खेल सकते हैं। उनको कुछ नंबर दे, लेकिन एक नंबर नहीं लिखना, वो आपके दोस्त बताएंगे कि वो कौन सा नंबर है। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस। एक दो तीन चार पाँच छ। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस। किरण, तुमने कहानी लिख ली? नहीं मुन्ना, अभी तक कुछ नहीं लिखा। हाँ वो क्यों? अभी मैं दरख्त के नीचे बैठकर कहानी लिखना शुरू ही कर रही थी कि टैटे की आवाज आने लग गई। मैंने ऊपर देखा तो तोता टैटे कर रहा था। तो क्या हुआ, तुम कहानी लिखती रहती? अभी तोते की टैटे ही नहीं रुकी थी कि चिड़ियों ने भी अपनी चूचू शुरू कर दी। मेरा ध्यान पलट गया। तो तुम ध्यान कहानी में ही रखती ना और लिखती रहती? अभी टैटे और चूचू ही हो रही थी कि कैके भी होने लग गई। तो वो क्यों? एक तरफ से बतख का बेटा डब्बू आ गया। डब्बू की कैके सुनकर चौकीदार की बिल्ली म्याऊं म्याऊं करने लग गई, और बिल्ली की म्याऊं म्याऊं सुनकर एक कुत्ता भौं भौं करने लग गया। फिर क्या, टैटे चूचू कैके म्याऊं म्याऊं भौं भौं का शोर इतना बढ़ गया कि सबने आसमान सर पे उठा लिया। मैं कहानी क्या लिखती, अब देखती हूँ। अगर किसी ने आसमान सर पे ना उठाया हो तो लिख लूंगी अपनी कहानी। बाजी 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 बाजी। हाँ हाँ, क्या हुआ क्या हुआ मुन्ना? बाजी बाजी आप जाकर ना किरण को रोके। किरण को रोको? किरण कहाँ जा रही है? अब तो वो पहुँच भी गई होगी जहाँ उसने जाना था। अरे कहाँ? दरख्त के नीचे। दरख्त के नीचे? वहाँ क्या है? वहाँ ना सब मिलकर आसमान को सर पे उठा रहे। सर पे आसमान उठा लिए? हाँ। ओहो भाई मुन्ने, अरे भी तुम क्यों इतने हैरान नजर आ रहे हो? ये बता रहा है मास्टर जी कि दरख्त के पास किसी ने आसमान को सर पे उठा लिया है। हैं? क्या मतलब? मास्टर जी वहाँ पर ना कुत्ते म्याऊ 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 कर रहे हैं और बिल्लियाँ जरा भौ 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 कर रही हैं। लो सुन लो इसकी बातें। क्या कह रहे हैं भाई? जी बाजी, और वहाँ पर ना तोता चू 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 कर रहा है और चिड़िया टाई 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 कर रही है। अच्छा, कुछ समझ नहीं आ रही पे। क्या हो रहा है? जी मास्टर जी, और वहाँ पे कोई काई का भी कर रहा है। मास्टर जी जरा जाके तो देखें दरख्त के पास हो क्या रहा है। चलो मुन्ने जाके दरख्त के पास देखते हैं कि क्या हो रहा है। चलें, ठीक है ऐसे करते हैं। ओहो किरण भाई तुम यहाँ आ गई हो, खैरियत से हो ना? जी मैं ठीक हूँ। इसलिए क्योंकि मुन्ना कह रहा है कि दरख्त पे एक अजीब अफरा तफरी मची हुई है। हैं? बिल्ली वहां भौं भौं कर रही है और कुत्ता जो है वो म्याऊं म्याऊं कर रहा है और तोता चू चू कर रहा है, चिड़िया टैटे और कोई कह के भी कर रहा है भी। और किसी ने आसमान को भी सर पे उठा रखा है। जी दरअसल बात ये है कि मुन्ना ने मेरी बात गौर से नहीं सुनी। मैं ये कह रही थी कि तोता टैटे कर रहा है और चिड़िया चू चू कर रही है और बहुत शोर है। लेकिन लेकिन किरण तुमने ये भी तो कहा था कि सब ने वहाँ पे आसमान सर पे उठाया हुआ है। इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब ये है कि हर कोई अपनी बात कर रहा है, कोई किसी की बात सुन नहीं रहा और एक अफरा तफरी मची हुई है ना। भाई देखो मुन्ना, आइंदा से तुम जरा गौर से बात सुना करो, ठीक है? वैसे मुन्ना ने जो बात की है ना उस पे मैं एक कहानी लिखूंगी। किस पे? कि तोता चू चू करे और चिड़िया टैटे करे।
सारे साज बजाए जाते हैं। हमारे इलाके में मुख्तलिफ साज और तरह तरह की मौसीकी सुनी जाती हैं। मैं क्वेटा बलोचिस्तान में रहती हूँ। मुझे तंबूरा सुनना बहुत पसंद है, इसकी आवाज़ बहुत मीठी होती है। मैं जामशोरो सिंध में रहता हूँ। मुझे दो तारा सुनना बहुत पसंद है। मैं भी बड़ा होकर ये साज बजाऊंगा। दोस्त असद के घर खेलने के लिए गई। हमने अपनी पसंदीदा खेल लूडो खेली। असद बहरा और वो सुन नहीं सकता, इसलिए वो मेरे होंठों को पढ़ता है। हमने कुछ देर खेला, फिर हमें भूख लग गई। असद की अम्मी ने हमसे पूछा कि हम क्या खाना चाहते हैं। वो इशारों से बात करती हैं। असद समझ जाता है कि वो क्या कह रही हैं। हमने दूध पिया और केले खाए। असद ने मुझे केले खाने का इशारा समझाया और दूध पीने का भी। फिर हमारे नाचने को दिल चाहा। फिर हमने नाचना शुरू किया। मैं मौसीकी कानों से सुनती हूँ और असद मौसीकी को महसूस करता है। मुझे अपने दोस्त असद के साथ खेलना बहुत पसंद है। और आप एमो कान के बारे में और जानना चाहते हैं? आप भी हम और कैसे जान सकते हैं? एक अकलमंद किताब से बात करना चाहोगे? हाँ, क्या आपको कुत्ते के कानों के बारे में पता है? बिल्कुल, मुझे दूसरे जानवरों और उनके कानों के बारे में सब पता है। हाँ, जरा देखो। हाँ, खरगोश। हाँ, खरगोश के लंबे कान होते हैं। और कुछ खरगोश के कान इतने लंबे होते हैं कि नीचे गिर जाते हैं। सोनी सोच रही है कि एल्मो एक खरगोश है जिसके लंबे नीचे गिरे हुए कान। मेरे कान में है, मेरे कान मिलते हैं, ये तो बन भी जाती है, इनसे वो भी बनती है, पांव तक पहुंचते हैं, नाक को लपेटते हैं, मेरे कान में है, मेरे कान। वाओ, शोर मचाती है गाजर। बिल्लियों के छोटे कान होते हैं और वो उन्हें बहुत साफ रखती है। म्याऊ, अभी भी साफ नहीं, अभी भी साफ नहीं, अभी भी बाल। और चूहों के छोटे और गोल कान होते हैं। जी, म्याऊ। एल्मो चूहे को एक बिल्ली की आवाज आ रही है। म्याऊ। तुम्हारा शुक्रिया। सब मिलके के कान। एमो को कान पसंद है और सोनी को भी, इसलिए सोनी गाना चाहती है एक कान का गाना। शुरू करें।
कान 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 आप भी कल मिलके कान 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 बिल्लू, मैं थोड़ी देर के लिए स्टोर में जा रही हूँ पीछे, तुम मेरे ढाबे का ख्याल रख सकते हो? पाजी क्या कह रही हैं? ओहो, मैंने ये कहा है कि मैं थोड़ी देर के लिए पीछे स्टोर में सामान चेक करने जा रही हूँ, तुम कुछ देर के लिए मेरे ढाबे का ख्याल रखोगे? जी पाजी। और हाँ, बात सुनो, ये जो गुलदान के पास लिफाफा पड़ा ना, इसमें सेब है। जी पाजी। ये वाले लिफाफे सेब पड़े हैं, इसमें गुलदान वाले में, ये आएगी अपनी रानी, ये तुमने उसको देना है, ठीक है? ठीक है पाजी। और ये जो है ना, इसमें है किन्नू, ये आएगी किरण, किरण को मेरी बात भी सुनो। जी जी पाजी। ये किन्नू जो है, ये किरण को देने हैं, और वो जो फूल है वो गुलदान में सजा देना। जी पाजी, ठीक है। क्या ठीक है? मैंने कहा फूल गुलदान में सजा देना, और केले वो पड़े हैं वो प्लेट में रख देना अच्छी तरह से। जी पाजी। प्लेट में केले रखने हैं, फूल गुलदान में रखने हैं, ये जो सेब है ये रानी को देने हैं, और किन्नू जो है वो किरण को देने हैं, समझ गए? जी बाजी, आप फिक्र ना करें, आप बेफिक्र होकर जाएं। चलो ठीक है, ये ध्यान से काम कर लेना। जी बाजी। बाजी, बाजी। रानी, पाजी स्टोर में काम कर रही हैं। पाजी ने मेरे लिए कुछ दिया? हाँ, उन्हें तुम्हारे लिए ये ये वाला लिफाफा दिया उन्होंने तुम्हारे लिए। शुक्रिया। बिल्लू भाई, बाजी कहाँ है? किरण बाजी स्टोर में काम कर रही हैं, और उन्होंने तुम्हारे लिए ये लिफाफा दिया। शुक्रिया। शुक्रिया बिल्लू, बहुत शुक्रिया ढाबे का ख्याल रखने का। बिल्लू, ये तुमने क्या किया है? सारा काम उलट कर दिया है। मैंने तुम्हें कहा था कि फूल गुलदान में रखना, और केले जो है प्लेट में सजाना है, तुमने ये क्या किया, सारा काम उलट कर दिया है। पाजी। हाँ जी। पाजी। जी। मैंने तो सेब मांगे थे, लेकिन इसमें तो किन्नू है। मैंने तुम्हें कहा था कि यहाँ गुलदान के पास जो, वो इसको देने हैं। बाजी। हाँ। मैंने किन्नू मांगे थे, पर ये सेब है। लो। बिल्लू, ये क्या किया है? तुमने सारा काम उलट कर दिया है। बाजी, मैंने आपकी बात गौर से नहीं सुनी, इसलिए सारी गड़बड़ हो गई। देखो बिल्लू, हमेशा बात गौर से सुननी चाहिए। अगर तुमने मेरी बात गौर से सुनी होती तो इस तरह काम उलट पुलट ना होता। बाजी, मैंने आपकी बात गौर से नहीं सुनी। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आइंदा कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा, और आपकी बात गौर से सुनूंगा। पक्का वादा? पक्का वादा। चलो ठीक है रानी और किरण। हाँ ठीक है। खुदाफिज बाजी। खुदाफिज। वैसे बाजी, हाँ, केले हैं बहुत मजेदार। जब भी कोई बात करे गौर से उसकी बात सुनो, सुनकर पहले बात को समझो और फिर अपनी बात करो। जब भी कोई बात करे गौर से उसकी बात सुनो, सुनकर पहले बात को समझो और फिर अपनी बात करो। सोचो, रात को समझो, दिन
सोचे मत बात करो, जब कोई बात करे मत रुको, बात के बीच में कभी ना बोलो।